हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारा यहाँ पे डे 3 और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आके रेडी होके फिर हमारा निकलने का प्लान है। आज हम यहीं पे श्रीनगर में ही यहाँ के जो लोकल साइट सीन है वो करेंगे, और आज हम श्रीनगर में ही रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और हम कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और फिलहाल तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो चलिए। तो ये है ब्रेकफास्ट एरिया। तो आज ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन मेनू है, बड़ा है, सांभर है, पोहा है, फ्रेंच फ्राइज, आलू का पराठा, स्क्रैम्बल एग। तो अभी हम निकल गए हैं आज श्रीनगर में साइट सीन करने। तो यहाँ पे जो जो गार्डन है, मतलब बाग है, निशाद बाग, चश्मेशाही बाग और शालीमार, सब कुछ ऐसे बोला ना, हाँ, तो ये सब बाग है और मंदिर टेम्पल है, शंकराचार्य टेम्पल है। तो ये सब आज हम घूमेंगे, और जो मार्केट वगैरह है वो भी विजिट करेंगे, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। और सुबह तो मैंने आपको दिखाया, ब्रेकफास्ट करके हम लोग रेडी होके निकल गए, और आज यहाँ का टेम्परेचर 1 है अभी तक तो फिलहाल, तो इसलिए ठंड तो है काफ़ी, और बाहर कोहरा है। हाँ तो आज बिल्कुल सूरज मामा नज़र नहीं आ रहे हैं, पूरा क्लाउडी वेदर हो रहा है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ये है डाल लेक, ये फ्रीज हो जाता है, अभी तो पूरा नॉर्मल है। तो ये सब हाउस बोट है, नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फाउंटेन लगा के रखा है अंदर में, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चेक पोस्ट था इधर पीछे। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है मुगल गार्डन का, एडल्ट 24, चिल्ड्रेन 12। चिल्ड्रेन का एज क्या होगा, 13 इयर्स का। तो ये मुगल गार्डन है, भी शाही वाला, चश्माशाही भी है, निशाद भी है, शालमोर भी है। अच्छा, तो ये इसका मेन नेम क्या है? इसका मेन नेम है चश्माशाही। चश्माशाही यहाँ तो चश्मा निकलती है। अच्छा। सब लोग इसका पानी अपने घर ले जाता है। ओ, अंदर मिलेगा पानी? हाँ, क्यों नहीं सर। ओ, पीने के लिए है सर, रब ने भेजा था वो। ओ, अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो ये है चश्मे शाही बाग, जो अप्रैल के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स भी होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि विंटर का टाइम है इसलिए थोड़ा ड्राई है, सब कुछ सूख गया है। बट जिस टाइम पे फ्लावर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अभी सांस थोड़ी चढ़ी हुई है क्योंकि स्टेयर्स चढ़ के आए ऊपर, और बहुत ठंडा है आज। पेड़ मेरे पीछे आपको दिख रहा है, तो ये 200 ईयर्स ओल्ड पेड़ है यहाँ पे, और यहाँ के अलग अलग पेड़ जो है बिल्कुल अलग अलग स्कल्पचर टाइप के दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब सूखे में भी इसका एक अलग ही ब्यूटी है इसकी। यहाँ पे गार्डन में घुसने के पहले यहाँ पे छोटा छोटा दुकान है, यहाँ पे खाने पीने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग आ गए चश्मे शाही घूम के, और अब हम नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है परी महल। तो वो क्या है, फोर्ट है कोई? फोर्ट है, फोर्ट है एक। तो चलिए माहौल।
हम लोग परी महल यहाँ पे परी महल हिस्ट्री पार्किंग है तो यहाँ पे टिकट है, टिकट एडल्ट 24 रुपीस, चाइल्ड 12 रुपीस। तो ये है परी महल, ये एक फोर्ट है। तो अकबर जब अकबर आते थे कश्मीर तो यहाँ पे रहते थे। हेलीपैड बना हुआ है, वो दूर में ईच दिख रहा है, वो हेलीपैड है। वो रहा चिंकुला, वो है। तो यहाँ से डल लेक का पूरा व्यू दिखता है पीछे और बहुत ही अच्छा व्यू होता है, बट बैड लक आज पूरा फॉगी वेदर है जिसके कारण हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बट अगर सनी वेदर होता तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता, पूरा डल लेक का और पूरा मतलब श्रीनगर सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू आता। और पीछे पहाड़ भी है जो कि भी बहुत ब्लर नजर आ रहे हैं अभी फॉग की वजह से, बैड लक। बट ये जो फोर्ट है काफी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही हिस्टोरिकल ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। पूरा ऐसे स्टोन से बना हुआ है, इसके जो वॉल्स है पूरे ऐसे स्टोन से बने हुए हैं और काफी बड़ा भी है, इतने सारे फ्लोर्स हैं इसके। यहाँ पे एक फ्लोर है, यहाँ पे ये फ्लोर है, 4-5 फ्लोर्स हैं। तो अभी हम आ गए हैं निषाद गार्डन, इसका नाम भी मुगल गार्डन है शायद ना, मुगल, ये मुगल गार्डन सब है, उसका नाम अलग अलग है। हाँ, तो इसका नाम निषाद गार्डन है और ये बिल्कुल डल लेक के ऑपोजिट में है। और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड काउंटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, ये निशा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ओ हाँ, चलो चाय पीते हैं अभी, पहले थोड़ा कॉफी वगैरह पी लेंगे, हमें बहुत ठंड लग रही है तो कॉफी वगैरह पी के उसके बाद हम जाएंगे। बोलते हैं समावार, समावार कश्मीरी समावार। अच्छा, ये इसमें बोलता है ऐसा। अच्छा, ऐसे कावा बनता है और इसमें मसाला डालता है। हाँ, इसमें सब मसाले भी डाले हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये होता है इधर से कोयला पड़ता है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर। अच्छा, कावा में मसाला क्या है? कावा में मसाला इलायची, दालचीनी, ड्राई फ्रूट, केसर, वो सब डाल के फिर सब मिक्स। ये क्या है? ये कुकीज है, ऐसे भी खा सकते हो, खा के देखो। अच्छा, ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया? नहीं नहीं, अभी आ रहा है, रुक जाओ। मार्केट के सामने यहाँ पे शॉपिंग भी है, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत सारा पकौड़ा मिल रहा है, पालक, पनीर, अनियन। तो यहाँ पे सब चाय कॉफी पीने के लिए बैठ गया है, सब कॉफी पी रहे हैं, ठंड बहुत है। तुम कि खाबी? अच्छा, पकौड़ा तो आनछी, एक पालक पकौड़ा और पनीर पकौड़ा। ऑर्डर दिया है उस वाले, उसमें वो आएगा, उसके साथ में हम कॉफी पीएंगे। तो गर्मा गर्म पनीर पकौड़ा के साथ कॉफी और पालक पकौड़ा। पालक पकौड़ा के लिए यहाँ पे टिकट मिलेगा, ये टिकट काउंटर है और एडल्ट 24 एंड चाइल्ड 12। ये सब नोट किया है और ये एंट्री गेट है। यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल सब नोट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन है कि नहीं वो भी चेक कर रहे हैं। बिलो 30 का कुछ नहीं चाहिए, बट डबल वैक्सीनेशन चाहिए। तो ये है निषाद गार्डन, अभी अंदर में जा रहे हैं, ऊपर में दिख रहा है कुछ तो है।
तो अभी बेसिकली कुछ फ्लावर है नहीं। तिगरा डाल लेक एंट्री गेट वो है। कितना है रेट यहाँ पे मालूम करना है? फोटो खींचना है, दो चीज है मालूम करना है। वो मुझे समझ गया, वो जो आपको बोल रहा था ना, हाँ हाँ वो मैं समझ गया। कितना है भाई जो आपको दूसरी जगह में मिलेगा ना भाई? यार दूसरी जगह तो पता ही नहीं है। इसमें दो तीन साइज हमारे फिर फोटो का, हाँ रुपीज से स्टार्टेड 200 तक जो आपको साइज कराना, अलग अलग साइज का अलग अलग रेट रहता है। नंबर में ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए, फ्लावर ही नहीं है तो क्या देखेंगे। बहुत ठंड है और यहाँ पे निषाद गार्डन में कुछ है नहीं, दिसंबर में कुछ भी नहीं होता है, खाली घूमो थोड़ा फोटो ले लो चलो जाओ, और कुछ है ही नहीं देखने के लिए। तो फोटो उठाने के लिए भी ऐसा कुछ है नहीं, जो फ्लावर था वो अभी है नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, निकल के फिर जाएंगे लंच करने के लिए, लंच करके देखते फिर मार्केट जाएंगे। अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट करीम्स में जो डल लेक के बिल्कुल ऑपोजिट में है, और अभी हमने ऑर्डर किया है मटन सीख कबाब और बाकी सारी चीज़ें एक एक करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को और क्या क्या हमने ऑर्डर किया है। तो ये है मटन रोगन जोश, जोश आ जाएगा जैसे खाने के बाद। ये मटन बिरयानी, ये गोश्त शाही कोरमा। खाना बहुत ही टेस्टी है, रोगन जोश मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हम लंच करके अभी आए हैं अंडरग्राउंड मार्केट जो कि श्रीनगर में ही है, मेन सिटी के अंदर। तो वही हम देखने आए हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशली जो शॉल वगैरह वुलेंस की चीज़ें मिलती हैं तो वही हम देखने आए हैं। चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ओ ये कौन सा मार्केट?